दीपिका ही क्यों लेकिन? एक सेकंड, हमारी शादी अभी हुई नहीं है। हाँ तो? तो इसे वाइफ की तरह बिहेव करना बंद करो। अच्छा अच्छा ठीक है। टेल मी, वाइफ की क्या वैल्यू है तुम्हारी लाइफ में? वाइफ? अरे वाइफ तो वाइफ होती है, थोड़ी ना कोई म्यूचुअल फंड है कि उसकी कोई वैल्यू हो। अच्छा, तो वाइफ की कोई वैल्यू नहीं और शादी करने चले हो। तुम्हें पता है मेरे पापा मेरी मम्मी की बहुत कदर करते हैं। मेरे पापा का दिन भी शुरू नहीं होता मेरी मम्मी का नाम लिए बगैर। मेरे बाबा साहब भी ना मेरे मासा की बहुत कदर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुबह उठते ही उनका नाम जपना शुरू करें। मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ किचन में पकौड़े तलते हैं अपने हाथों से। मेरे बाबा साहब मेरे मासा को आइसक्रीम खिलाते अपने हाथों से, लेकिन सबसे छुप के। अच्छा सुनो आर्यन, एक ट्रिकी क्वेश्चन है। तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, पेरेंट्स या फिर लाइफ पार्टनर? आई मीन वाइफ। जवाब दो। अगर मैं कहूं वाइफ तो एक पल के लिए तुम्हें अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। क्यों? ऐसा क्यों सोचते हो तुम? क्योंकि तुम भी मेरी तरह अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हो, और जो अपने माँ बाप की इंपॉर्टेंस समझता है उसके लिए हर एक के माँ बाप उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। इतना समझ चुके हो मुझे? वाइफ और वाईफाई में क्या कॉमन है पता है? क्या? दोनों एक छत के नीचे अलग अलग कमरे में रहने वाले हर एक रिश्ते को जोड़ के रखते हैं। मतलब कि तुम मुझे वाईफाई समझते हो? और जिसका पासवर्ड है मोहब्बत। कहीं तुम मुझसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हो? नहीं तो? अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस रिश्ते से मना कर दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तो फिर वन लास्ट क्वेश्चन, हाँ जस्ट एज अ फ्रेंड, अगर मेरे परिवार वाले किसी रिश्ते के लिए श्योर हो लेकिन मैं श्योर ना हूं, तो उस रिश्ते को बिना किसी रीजन के मना कर देना गलत तो नहीं होगा ना? ये बात तुम्हें अपने दिल से पूछनी चाहिए, क्योंकि किसी बड़े इंसान ने कहा जिस बात के लिए दिल गवाही देना वो कभी गलत नहीं हो सकती। किस बड़े आदमी ने कहा है? किसी ने नहीं। तो मतलब यूं ही कह दिया ऐसे ही? नहीं, मैं इस बात में बिलीव करता हूं, इसीलिए बोल दिया। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थां गतो पिव यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबायाभ्यंतर सुचिः। अब आप हाथ जोड़िए और अपनी कुल देवी का ध्यान कीजिए। यहाँ रख दीजिए। अब माँ बाप को बुलाइए। अरे पंडित जी, किसके माँ बाप ये तो बताइए, नहीं तो सबके माता पिता खड़े हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है बिंद और बिंदी के माँ बाप को बुलाइए। पति पत्नी के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सिवाय एक के, कि जब तुम माँ बोलो तुम्हारे पति को पूछना पड़े तुम्हारी या मेरी। ये रिश्ता पावन है, ये रिश्ता पावन है, ये लागे है प्यारा, ये मन का बंधन है,
बाप कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाई है। अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। सांची, ये गुलाब की पंखड़ियां सबके बीच में बांट दो ताकि बीन बेन पे डाल सके। जी। मुझे लव एट फर्स्ट साइड की बात हमेशा मजाक लगती थी, लेकिन अब नहीं। कुछ कहा आपने? You are looking gorgeous. Thanks. Thank you so much. मुझे तो बस करो, अब उसे ही देखते रहोगे क्या? चूंच वारी जयपुर जाते ही मैं सबसे पहले उसके पेरेंट्स से तुम दोनों के रिश्ते की ही बात करने वाली हूँ। हैप्पी? अरे वाह भाई वाह, इसे कहते हैं जन्म जन्म की जोड़ी, जैसे करण अर्जुन की जोड़ी हो। हाँ, ही रांझा रोमियो जूलियट की जोड़ी तो जन्म जन्म की है ही नहीं। और ये जेंडर को छोड़ो, इमोशन को पकड़ो, इमोशन को पकड़ो। सांची जी कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, और आर्यन जी भी बहुत अच्छी लग रहे हैं। हाँ, चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। हाँ, चलो। संपन्न हुआ। भाभी साहब, मैं बता रही हूँ, शीतल की शादी बहुत बढ़िया की है अग्रवाल जी ने। वाकई हम तो अपनी देवरसा की शादी ना और भी अच्छे से कराएंगे। क्यों काकी साहब? बिल्कुल, हमारी उम्र की शादी है ना, जमीन पर नहीं आसमान में करवाएंगे, जैसा हमने उस फिल्म में देखा था वैसे ही। हाँ, पता है उस फिल्म में ना ब्राइड और ब्राइडग्रूम स्काई में अपने वाउस पढ़ते हैं और फिर रिंग पहनाते हैं। हम ना आर्यन भाई साहब की शादी ना स्काई में ही करवाएंगे। और पता है फिर सब कहेंगे, अरे वाह, सेठिया तो सबसे आगे निकल गए। ब्याह होवे है छोरी, कोई प्रतियोगिता नहीं होवे। अरे सीधा साधा ब्याह करो, बड़ों का आशीष लो और एक पवित्र रिश्ता जुड़ने की खुशियां मनाओ। ये एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने समाज को बर्बाद कर रखा है। लड़की अपना सब कुछ छोड़कर लड़के के घर को अपना घर, उसके परिवार को अपना परिवार, उसके दोस्तों को अपने दोस्त,
यहाँ तक कि उसके दुश्मनों को भी अपने दुश्मन बना लेती। जानते हो लड़के को क्या करना चाहिए? चाहे कुछ भी हो जाए, लड़की की आंखों में आंसू ना आने पाए, इसी को तो साझेदारी कहते हैं। क्या सोचा है देवर सा? साची के लिए आपकी हाँ है या फिर ना? I'm still not sure, भाभी सा। मुझे और टाइम चाहिए। जी जी, अब तो बता दो कि आर्यन जी के बारे में आपका क्या डिसीजन है? I don't know यार, अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई, लड़की भी अपने घर की हुई और अग्रवाल जी भी गंगा नहाए। हाँ भाई साहब, सब कुछ अच्छे से हो गया। घराती भी और बराती भी सब खुश थे। सच, मुझे तो बस अपने देवर सा के सिर पर सहरा सजने का इंतजार है। आप लोग ने देखा था, सांची और आर्यन की जोड़ी शादी में सबसे बेहतरीन थी। मारे को तो दोनों संग में ही अच्छे लग रहे थे। जिस तरह से दोनों बात कर रहे थे, मुझे लगा कि दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। पर मासा, शादी के नाम पर देवरसा ने तो अब तक कोई फैसला ही नहीं किया है। मुझे तो लगता है ना, बहुत कंफ्यूज्ड है। मैंने खुद उनसे पूछा, कह रहे थे कि अब तक आई एम नॉट श्योर। होता है कभी कभी, हम किसी दूसरे के बारे में कोई बात महसूस करते हैं लेकिन अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते। मैंने पूछा था जीजी से, पर वो इस रिश्ते को लेकर अभी भी श्योर नहीं है। पर उन दोनों को देखकर तो कोई भी कहेगा कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। हाँ, पिछले दो तीन दिनों से इन दोनों को साथ में देखकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ भाई, तो मैं क्या कह रहा था कि कल तो हम सब लोगों को वापस जयपुर लौटने वाले हैं, तो लौटने से पहले हमें मित्तल जी को जवाब तो देना ही पड़ेगा कि हम लोग इस शादी में इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं, है ना? तो क्या जवाब दें? अब तो लगता है कि सेठिया जी को बताना ही होगा। मामले को और लटकाने से कोई फायदा नहीं। क्या है ना कि मुझे लगा था कि चलो अच्छा है, दोनों बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी कोई अच्छा फैसला हमें सुना देंगे। लेकिन नहीं, सांची की तो अभी भी कोई हाँ नहीं है। कमाल है, मेरा बेटा होकर फैसला लेने में इतनी देर। किसी की उम्मीद को ना झूठ पे लगाए रखना ठीक बात नहीं है। ऐसा कर, तू सेठिया जी से कह दे कि हमारी सांची इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। हाय साहब, अगर ऐसी बात है तो हम लड़की वालों का टाइम क्यों वेस्ट करें? मैं अभी उनसे माफी मांग के आता हूँ। मैं अभी जाके मित्तल जी से कह देता हूँ कि भाई साहब माफ कीजिएगा, आर्यन कोई रिश्ता मंजूर नहीं है। सांची, अब तू आर्यन को भूल जा, उसकी टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दे। अब तो तेरे मन की हो रही है, तो अब तो खुश रहे, ओके? क्यों, बुआ सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ बेटा, वो लड़का तुझे पसंद नहीं है तो ना करने में जल्दी क्या और देर क्या, क्यों कुसुम? हाँ जी जी। अब तो खुश हो ना? अरे भाई, अब तुम्हें कोई सांची सांची करके तंग नहीं करेगा है? भाई साहब चले गए मना करने। लेकिन काकू साहब, ना करने की इतनी भी क्या जल्दी है? अरे भाई, हम उन्हें फ्री करेंगे तभी तो वो अपनी लड़की की कहीं और बात चलाएंगे, है ना? सही बात है।
शरीफ घराने के लोग अपनी लड़की की बात एक साथ 10 जगह नहीं चलाया करते हैं। ऐसे लड़की तो अच्छी है। अरे मित्तल जी नमस्ते। नमस्ते सेठा जी, नमस्ते, नमस्ते। मैं तो आप ही से मिलने आ रहा था और आप यहाँ। संजोग देखिए, मैं भी आप ही के पास आ रहा था। मित्तल जी, अब पहले वाला जमाना तो रहा नहीं। जी बिल्कुल। अब चाहे करियर चुनने की बात हो या जीवन साथी, बच्चों की राय भी उतनी ही जरूरी हो गई है जितनी हमारी। और ठीक भी तो है, अब उन्हें साथ जिंदगी बितानी है तो लाइफ पार्टनर भी तो उन्हीं की मर्जी का होना चाहिए। जी बिल्कुल। वैसे मित्तल जी, अब आपकी सांची पूरी तरह से योग्य है। जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। आपका आर्यन भी लाखों में एक है। लेकिन क्या करें मित्तल जी, हमें तो अपने बच्चों की पसंद और नापसंद के हिसाब से ही चलना है। हाँ, और इन पे दबाव डालें ये ना इनके लिए अच्छा है ना हमारे लिए, इसीलिए मैं। पापा। पापा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है पापा। हाँ थोड़ी देर में करते हैं, अभी मैं अपनी बात तो पूरी कर लूँ। पापा प्लीज, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज। बाबा साहब प्लीज आइए ना, कुछ इम्पोर्टेंट है। जो यहाँ पे बात हो रही वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हारा फैसला इनको बताने में अब और देर नहीं कर सकता। तुम नहीं चाहते ना कि तुम सांची से शादी करो। ये इस बात को समझेंगे। देखो बेटा, आज तक हमने तुम पे कोई भी चीज फोर्स नहीं की है। अगर तुम्हें आर्यन पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ लेंगे। ये बात को समझेंगे। अरे इसमें छुपाने की क्या बात है। हाँ, बात वैसे नहीं खुली तो ऐसे खुल गई। मित्तल जी, आपकी बेटी के लिए मैं बहुत सुंदर भविष्य की कामनाएं करता हूँ, लेकिन इस रिश्ते के लिए हमारी तरफ से हाँ है। जी बाबा साहब, मुझे सांची पसंद है। हाँ पर हमारी सांची को तो आर्यन पसंद है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।